सबसे पहले बताइएगा कि आज किस सिलसिले में आप इकट्ठे हुए? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। भाई जैसे कि आपको इल्म होगा कि हमारा कुछ मसला चल रहा था, उसके अंदर कुछ FIR दोबारा से काटी गई थी, उसी सिलसिले के अंदर इंक्वायरी थी। हमने एक एप्लीकेशन मूव की थी कि आप हक और सच के ऊपर जो फैसला बनता है, जो FIR काटी गई है, अगर तो वो आप समझते हैं कि वो सच्ची काटी गई है तो उसको परसू किया जाए, और अगर समझते हैं कि इसको गलत तरीके से काटा गया, FIR चौक की गई है, तो उसको इंक्वायर किया जाए, और जो हकीकत है वो आवाम के सामने और हमारे लिए हमारे हक के अंदर उसको जो दफात बीच में आए हैं उनको बीच में से डिलीट किया जाए। बेसिकली तो आज इंक्वायरी के लिए हम आए थे। आज आप देख रहे हैं कि तकरीबन एक माह के दौरान 3-4 जो मुकदमात हैं और दरख्वास्तें हैं वो आप और आपके साथियों के खिलाफ हो रही हैं, तो क्या वजह है? ये कोई सियासी इंतकाम का सिलसिला है या हकीकत में कोई आपकी तरफ से इस तरह की? मैं इसको पोलिटिसाइज उस साइड के ऊपर लेके जाना ही नहीं चाहता। मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई चीज़ हो सकती है, लेकिन एक चीज़ की जो मुझे भी अभी तक जो चीज़ समझ नहीं आ रही कि कहीं जाना, कहीं बैठना, कहीं चलना, कि अगर किसी के चलने, अगर सांस लेने के ऊपर भी FIR हो जानी है तो फिर तो खुदा ही हाफिज़ है। मैं जिस वक्त ये FIR काटी गई थी तो मैं और मेरा भाई तो यहाँ पे थे ही नहीं। मैं तो उस वक्त शाहीवाल बैठा हुआ था, तालिब यहाँ पे मौजूद नहीं था, वो सरगोधा बैठा हुआ था, दो बंदे बीच में FIR में और जो नामजद किए गए वो पुलिस के साथ ऑलरेडी हाई कोर्ट में बैठे हुए थे, ठीक है, और फिर भी FIR चौक हो जाए तो मैं तो उसके ऊपर फिर सोच क्या कहेंगे? पुलिस की जो कारकर्दगी है जिस तरह आप बता रहे हैं आप थे ही नहीं, और लोकेशन भी इस मसले में आके एक सवालिया निशान बनता है, ठीक है, और वो इसी सिलसिले के अंदर आज हम इंक्वायरी के लिए आए हैं कि हमारे ऊपर जो FIR चौक की गई उनकी इंक्वायरी की जाए, और ताकि आवाम के सामने और हर केस के सामने सच और झूठ का एक निखाड़ा हो जाए, पता चल जाए कि कौन कहाँ सच्चा है, कौन कहाँ झूठा है। दफ़ा जो 440 है उसके वाले से आपको क्या कहते हैं कि उनका वहाँ पे होना जो है वो भी ज़रूरी नहीं होता? सॉरी किन का? जो दफ़ा 440 है जी जी, ठीक है, कि जो आपके खिलाफ कटी है जी जी, तो वो वहाँ पे मौके पे मौजूद नहीं थे, ठीक है, जो मदई थे, हाँ जी, तो उनका वहाँ पे होना ज़रूरी नहीं होता? जी ऑब्वियसली होता है, ज़रूरी होता है, लेकिन वहाँ पर तो कौन था? ये तो सब फर्जी बातें हैं, हवा के अंदर से उठा के पकड़ के तो इनको ये सारी इसके अंदर दफात शामिल करके और हर चीज़ को चौक कर दिया गया। अच्छा, हमारे जो जिला जिलम के लोग हैं उनकी मालूमात के लिए कि जिस जगह पे ये FIR काटी गई है, जिस जगह पे वो जो जगह है वो आपकी है, आपके ज़ेरे कब्ज़ा है या दूसरे जो फ्रीक हैं? जी मेरे ज़ेरे कब्ज़ा भी है, और उसके अंदर जो सबसे बड़ी बात ये है कि मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप रेकर्ड रूम चले जाएँ, वहाँ से आज सुबह फ्रेश फर्द निकलवा लें, आपको खुद पता चल जाएगा वो जगह किसकी है। मेरी ज़बानी आप शायद कुछ लोग हैं उसको गलत भी तस्लीम करते होंगे, लेकिन आप ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप जाके फ्रेश फर्द निकलवा लें, मेरी तरफ से इजाज़त है, आपको कोई परेशानी नहीं है, आप निकलवा सकते हैं।